छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई के मामले में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बयान में कहा कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर पहाड़ी कोरवा जनजाति की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि अमरजीत भगत खुद को गरीब बताते हैं और वो गरीब हैं, तो भगवान ऐसे गरीब सभी को दे, सच सामने आ रहा है। इसी क्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महादेव ऐप रजिस्ट्रेशन मामले को लेकर कहा कि इस मामले की जांच जारी है, लगातार खुलासे भी हो रहे हैं, जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर से संवाददाता भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। जसपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा की जमीनों को हड़पने का आरोप किसको परिवार पर लगा था, और जब विपक्ष के रूप में हमने आवाज उठाई तो वापस करना पड़ा था उनको, और किस किस प्रकार की संपत्ति अर्जित उन्होंने किया हुआ है पूरे प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, और वो अपने आप को गरीब बता रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान ऐसे गरीब पूरे छत्तीसगढ़ के और देश के सभी लोगों को बनाए।